हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी विल स्टडी अबाउट इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट. ओके, फर्स्ट वी शुड रीड इट ऑन पेज नंबर 6. ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 6. इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन. The absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold. Some daily life examples of cooling effect of evaporation are given. अगर हम किसी ओपन वेसल में कोई भी लिक्विड रखते हैं तो इवापोरेट होता रहता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हर टेम्परेचर पर इवापोरेशन होता है. तो अगर हम किसी ओपन वेसल में कोई भी लिक्विड रख देते हैं तो वो इवापोरेट होता रहता है. और जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, किसके, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास की सराउंडिंग से जो है एनर्जी गेन करते रहते हैं. किस में, जो इवापोरेशन के टाइम पर उन्होंने अपनी एनर्जी खोई थी उसको रीगेन करते रहते हैं अपनी आसपास की सराउंडिंग से. और जो ये ऑब्जर्वेशन होता है एनर्जी का, इससे क्या होता है, जो आसपास की, जब हम किसी आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम ही होगा. एंड जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो एटमॉस्फेयर जो होता है आसपास की सराउंडिंग्स होती है वो कूल होती रहती है. यही कूलिंग इफेक्ट होता है इवापोरेशन का. इसके कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन, व्हेन आइस कूल्ड वाटर इज केप्ट इन अ ग्लास टम्बलर फॉर सम टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व ऑन इट्स आउटर सर्फेस. Explanation: this occurs as water vapor present in the air come in the contact of the glass tumbler get cooled. This occurs as the water vapors present in the air comes in the contact of glass tumbler get cooled and condensed to form these small water droplets. The formation of drops water on the outside surface of tumbler containing crushed ice shows the presence of water vapor in the air. इसमें लिखा है जब हम किसी आइस वाटर, मतलब कोई भी ठंडा वाटर लेते हैं और किसी ग्लास में रखते हैं तो उसके आसपास जो है ग्लास के बाहर पानी की बूंदें आ जाती है. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जब भी हम कोई लिक्विड खुले बर्तन में रखेंगे तो सिंपल सी बात है उसका इवेपोरेशन होगा. जब उसका इवेपोरेशन तो आसपास की जो एटमोस्फियर में एयर है, एयर जो है आसपास की, उसमें जो वाटर वेप्योर है वो ग्लास के कॉन्टेक्ट में आती है और इवापोरेशन के कूलिंग इफेक्ट से वो कूल होती है. जब वेपर थोड़ी कूल होती है तो ड्रॉपलेट के रूप में जो है ग्लास के आसपास लग जाती है. यही एक इफेक्ट है इवापोरेशन का, कूलिंग इफेक्ट. और दूसरा इफेक्ट देखते हैं, कॉटन क्लॉथ्स आर यूज्ड टू वियर ड्यूरिंग समर सीजन. एक्सप्लेनेशन: कॉटन इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ वॉटर so it helps to observe sweat from our body. As it is obvious, the person perspire more during summer due to auto temperature control mechanism. Hence, wearing of cotton cloth helps in easy evaporation of sweat. When this sweat evaporates, it takes latent heat of vaporization from our body, which is turned cools the body. Thus, a person feels comfortable. एक दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि हम गर्मियों में, समर सीजन में, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं. इसका क्या एक्सप्लेन है? इसका रीजन यह है कि कॉटन जो होता है वो वाटर का अच्छा ऑब्जर्वर होता है. अब इससे क्या होता है, जो भी समर सीजन में हमारी बॉडी से स्वेट आता है, पसीना आता है, वो क्या करता है, ये कॉटन का कपड़ा ऑब्जर्व कर लेता है. और जब ये ऑब्जर्व कर लेता है तो इसी से जो है ऑटो कंट्रोल होता है टेम्परेचर का. एक मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है कॉटन का कपड़ा कि टेम्परेचर कूल लगता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, पसीना जो है हमारा स्वेट ये ऑब्जर्व कर लेता है. और वियरिंग क्लॉथ, मतलब ये हम जब कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं इससे जो है स्वेट का इवापोरेशन भी हो जाता है. जब ये ऑब्जर्व कर लेगा इसके बाद स्वेट का क्या होगा, इवापोरेशन होगा. और जब ये स्वेट इवापोरेट करता है तो फिर ये क्या लेता है, हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेता है.
ये क्या करता है हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके टर्म में क्या होता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है और पर्सन को कंफर्टेबल फील होता है। फिर से समझिए कि हम कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं कि ये अच्छा वाटर का अच्छा ऑब्जर्वर होता है, तो ये क्या करता है, हम स्वेट भी ऑब्जर्व कर लेता है। फिर इसके बाद स्वेट का जो है कॉटन के कपड़े में क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन के थ्रू जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है ये हमारी बॉडी से ली जाती है, और जब ये कॉटन का कपड़ा ये लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है, क्योंकि जब एनर्जी जाएगी टेम्परेचर डाउन होगा। इसलिए थर्ड एग्जाम्पल, पीपल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन ए हॉट सनी डे। When water is sprinkled on a hot surface, it gets evaporated very quickly as evaporated water leaves the surface cool due to the large latent heat of evaporation of water. This technique is quite effective in summers for cooling the surface. लोग जो होते हैं गर्मियों में क्या करते हैं, छत पे या सरफेस पे पानी डालते हैं जिससे क्या ठंडी हो जाती है। इसका क्या रीजन है, जब हम पानी डालते हैं सरफेस पे तो उसका वेपराइजेशन शुरू होता है, और जो वेपराइजेशन होता है तो जिस सरफेस पर है उससे लैटेंट हीट ली जाती है, और जब उससे लैटेंट हीट ली जाएगी, जैसे उससे हीट ली जाएगी या एनर्जी ली जाएगी, क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इससे वो सरफेस ठंडी हो जाती है जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है सरफेस सनी डेज में। ओके, लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, लिक्विड्स लाइक एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन आल्सो यूज्ड फॉर रिमूव नेल पॉलिश, और एल्कोहल प्लेस्ड ऑन योर पाम गिव यू फीलिंग ऑफ कूलिंग। एसीटोन एंड एल्कोहल आर वायलेंट लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स, व्हेन केप्ट ऑन पाम देयर पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द पाम एंड सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। एसीटोन और एल्कोहल जैसे लिक्विड जब हम अपनी पाम पे रखते हैं तो ये हमें कूलिंग क्यों फील कराते हैं, इसका सिंपल सा रीजन ये है, ये इस टाइप के लिक्विड होते हैं जो कि हमारे हाथ पे रखने पर एनर्जी या हीट हमारी हथेली से या पाम से लेते हैं, और जैसे ही हमारी हीट या एनर्जी हमारी हैंड पाम से जाएगी वैसे ही हमें कूल फील होने लगेगा। हियर वी हैव फिनिश्ड इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग इफेक्ट, एंड इन लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी डन टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।